को प्राप्त हुआ। अरे महाराज दशरथ जी को भी जो प्राप्त नहीं हुआ, वो पर जटायु जी का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से प्रभु ने किया है। रियल का जीवन है, रियल समझते हो ना, रियल का मतलब है वास्तविक। क्या मतलब है, जोर से बोलिए। हम जैसे हैं वैसे ही वो जो हैं वो दिख नहीं रहे, जो नहीं है वो दिखने का नाटक कर रहे, इसीलिए हैरान है। हम जो हैं वो दिखे ना और दूसरे से बनने का नाटक करें, परिणाम क्या होगा, हम लोग लोड में रहेंगे, बोझ में रहेंगे, और हम जो हैं वही अगर बने रहेंगे, वास्तविक जीवन जिया तो तुलसीदास जी ने लिखा और राम जी ने वरदान दे दिया, क्या, चारों युग परिता पाबल, पुरुषार्थ से और प्रसाद से, एक है पुरुषार्थ एक है प्रसाद। तुम पुरुषार्थ के बल पर पद तो पा सकते हो, नाम पा सकते हो, धाम पा सकते हो, दाम भी पा सकते हो, पुरुषार्थ के बल पर पद प्रतिष्ठा के साथ साथ तुम्हें हनुमान जी का प्रसाद मिल जाए तो हमारा तुम्हारा जो सम्मान है वो कभी मिटेगा नहीं। सम्मान बना लेना ठीक है, पद पा लेना ठीक है, उपाय क्या है, पुरुषार्थ के बल पर कमा सकते हो, पर रक्षा पुरुषार्थ के बल पर नहीं हो सकती है, वो तो कृपा के बल पर ही हो सकती है, प्रसाद के बल पर ही हो सकती है। इसलिए भारत के लोगों एक बात तुम गांठ में बांध लो, हमें पुरुषार्थ भी करना है और प्रभु का प्रसाद। उदाहरण में देखे, बड़े बड़े पद पे पहुंच गए लेकिन 5-6 साल में ही नीचे आ गए। हमने बड़े बड़े नेता देखे, अभिनेता देखे, अरे बड़े बड़े नाम देखे, एक एक रात में 1 नाइट स्टार बन गए, धूम मच गई, जगह तगह एकदम होर्डिंग बैनर, जहां देखो वहां एकदम ऐसे उंगलियां करत घूम रहे, खूब ऐसे ऐसे। लेकिन अगर प्रसाद नहीं है, कृपा नहीं है, तो हमें जो मिला वो तेरी मेहरबानी है, हमें जो प्राप्त हुआ वो तेरी मेहरबानी है, अगर ये भाव अंदर बैठ जाएगा तो तुम्हें जो मिलेगा वो दुनिया में कभी कोई छीन नहीं पाएगा।